मैं हूँ सूरज और मैं आज आपके बीच लेकर आया हूँ मौलिक कर्तव्य के बारे में। मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो वीडियो था वो मैंने बारी बारी से एक एक करके मैंने पोस्ट किया है, वो आप देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। और आज हम लोग जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। मौलिक अधिकार के बाद हमारे कर्तव्य भी आते हैं, जिसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है कि हमारे कर्तव्य देश के लिए, हमारे समाज के लिए कौन कौन से हैं। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। मौलिक कर्तव्य आखिरकार मौलिक कर्तव्य कब आया? तो मौलिक कर्तव्य 1976 में आया, जो कि 42वें संशोधन के दौरान आया है। 42वां संशोधन जो हुआ उसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया इसमें। और यह जो है सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर आया था। सरदार स्वर्ण सिंह का एक रिपोर्ट है जिसके आधार पर उन्होंने सिफारिश की थी उनकी समिति के द्वारा, क्या कि जिस प्रकार से मौलिक अधिकार लोगों को दिए गए हैं, उस यहाँ के देश के लोगों को दिए गए हैं, तो उनके कुछ कर्तव्य भी बन जाते हैं, तो उन्हें उन्हें कुछ कर्तव्य भी देना चाहिए। हालांकि ये जो कर्तव्य है वो फोर्सेबल नहीं है, लेकिन फिर भी इस कर्तव्य का पालन होना चाहिए। अब आता है कि इसे कहाँ पर दिया गया, किस भाग में है यह? तो यह संविधान के भाग 4 के क में है। इसे संविधान के, भारतीय संविधान का जो भाग 4 है उसके क में इसे जोड़ा गया है, और यह अनुच्छेद 51 के क में है। कुल मिलाकर अनुच्छेद के 51 में क है। और इसकी संख्या कुल कितनी है कि हमें कितने कर्तव्य का पालन करना चाहिए देश के लिए, तो वो उसके उसकी जो संख्या है वो है 11। यानी टोटल कुल मिलाकर के 11 जो है वो कर्तव्य की संख्या है। मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वो 11 है। हमें मूल कर्तव्य, वो जो मूल कर्तव्य 11 मूल कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहला जो कर्तव्य है हमारा, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है वो संविधान का पालन करेगा। मतलब सबका कर्तव्य है कि संविधान का पालन करेगा, उनके आदर्शों को, संस्थान को, जो उनका आदर्श है और जो संस्थान है उनका पालन करेगा। साथ में वह राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रीय गान का जो है वह आदर करेगा। राष्ट्रगान का भी और राष्ट्रीय ध्वज का भी, दोनों का आदर करना चाहिए। जो अगर वो भारतीय है तो ये सभी को पता है और सभी लोग आदर भी करते हैं। जो भारतीय नहीं होते हैं, जो किसी और देश के होते हैं या कोई और देश के मूलतः उनका स्वभाव रहता है, तो वह इस तरह के नियमों का पालन भी नहीं करते हैं। आपने भारत में कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा। आगे है कि उसमें स्वतंत्रता के लिए प्रेरित होना पड़ेगा और एक उच्च आदर्शों को हृदय में संजोया संजोना चाहिए। हृदय में उसके उच्च आदर्श संजोए रखना चाहिए, अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहिए। देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा उसे करना चाहिए, उसके लिए उसे अक्षुण्ण रहना चाहिए हमेशा। तीसरा आता है देश की रक्षा करना चाहिए। देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता तो बनाए रखना चाहिए, लेकिन अगर देश पर कोई विपत्ति आती है तो उसे रक्षा भी करना चाहिए, यह उसका मूल कर्तव्य है। देश के समस्त नागरिकों का सम्मान करना चाहिए और मैत्री भाव रखना चाहिए, भाईचारा रखना चाहिए, उसका यह भी कर्तव्य है देश के नागरिकों का। उसको पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण मतलब अभी देखे होइएगा कि पर्यावरण के प्रति बहुत लोग सजग हुए हैं, तो पर्यावरण के प्रति भी उसे एक्टिव होना चाहिए, पर्यावरण के प्रति ध्यान देना चाहिए। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों से अपने क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब समूह बना करके अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो प्रोत्साहित होना चाहिए। और सबसे लास्ट में जो मूल बातें इसकी है वो 11वां नंबर, उसमें कहता है कि माता पिता को या जो उसके संरक्षक होंगे किसी बच्चे के, उसको यह होना चाहिए कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को एजुकेशन देना चाहिए। यह एक छोटा सा वीडियो है जिसके माध्यम से मैंने मूल कर्तव्य को ऑडियो के माध्यम से और थोड़ी हद तक वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें हमारे चैनल पर, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।